समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ने उप जिलाधिकारी क्षितिज द्विवेदी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ने बताया है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के विरुद्ध षड्यंत्र और राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर कई फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिसके संबंध में अनुरोध करना है कि महोदय अपने स्तर से उच्च स्तरीय जांच करवाकर पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह पर मुकदमा दर्ज कराएं और सभी फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए। बता दें कि उन्हें रिहा किया जाए। ज्ञापन में लिखा गया है कि दीप नारायण सिंह पूर्णतः निर्दोष हैं और लोकप्रिय विधायक रहे हैं। बता दें कि विधायक दीप नारायण सिंह द्वारा ही हमेशा समाज का कार्य किया गया है और उनके द्वारा ही 1001 बहनों की शादी कराई गई है। बता दें कि जबकि लेखराज सिंह यादव से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह का कोई संबंध और सरोकार नहीं है। और आगे बताया गया है कि माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि उच्च स्तरीय जांच करवाकर पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और जिला उपाधिकारी के कार्यालय के सामने ही प्रदर्शन करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। आज आप लोगों ने ये ज्ञापन दिया, किस बारे में ज्ञापन? ये ज्ञापन माननीय दीप नारायण सिंह यादव पूर्व विधायक गरोठा के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उसमें हम लोगों ने जो है न्याय की मांग की है और शासन प्रशासन से के द्वारा जो है महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है SDM साहब के द्वारा, और उनसे मांग की गई है कि यदि इस जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उसमें आप जो है उच्च स्तरीय जाँच करा लें और यदि इसमें कोई सत्यता पाई जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो है सड़कों पर संघर्ष करेंगे। आने वाले दिनों में अभी ये सांकेतिक धरना था और यदि हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई और हमें न्याय नहीं दिया गया, माननीय दीप नारायण सिंह यादव पूर्व विधायक गरोठा जी को जो है रिहा नहीं किया गया, तो हम लोग सड़कों पर उतर करके और जो है आगे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।